और ये जाएंगे टक्कर कार में, लाइन में लगे हैं। अरशान शेख बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर से आई हूँ मैं मेले में। तो इस विंटर का मतलब इस साल का सबसे बड़ा मेला जो कि लास्ट मेला है जनवरी में, बहुत बड़ा मेला लगता है। और यहाँ पर अलग अलग फूल्स भी हैं जो कि जोधपुर में है, एक फेमस जगह है। घंटाघर भी इन लोगों ने बनाया है और अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिशन भी चलते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एडवेंचर बहुत सारे हैं बच्चों के लिए, झूले पहले थे बट लेकिन लास्ट मेले में सबसे बड़ा मेला ये लगता है। रावण का चबूतरा, बरकतुल्ला स्टेडियम, तो इस यहाँ पर हर साल मेला लगता है और लास्ट मेला जनवरी में लगता है। बहुत बड़ा मेला लगता है, अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। हैंडीक्राफ्ट की घड़ियाँ भी हैं, ये देखें बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर घड़ियाँ हैं, हैंडीक्राफ्ट का है सारे सामान। ये देखें तो ये सब डेकोरेशन का सामान है। ये देखें हैंडीक्राफ्ट की संदूकें भी हैं जो राजा महाराजा की होती थी, जिसके अंदर जेवर डाल के रखती थी महारानियाँ राजकुमारियाँ। तो ये वो है संदूकें, हैंडीक्राफ्ट का है ये सामान भी, ये सब हैंडीक्राफ्ट है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, ये छोटी है और ये सब लकड़ी में है ना, कौन सी वाली लकड़ी है? आसाम की गूट की है ये देखें, और बहुत ही खूबसूरत है। ₹4,500 का है पर पीस, और बहुत ही खूबसूरत है। हैंडीक्राफ्ट है, लकड़ी भी बहुत अच्छी वाली है। और गार्डन में बैठे हैं और लकड़ी में है, लकड़ी का है ये, ऊपर का लोहे का फ्रेम है ना, ऊपर अंदर लकड़ी का फ्रेम है, लोहे का है डिजाइनर, पीछे भी डिजाइनर है ना, पूरा ये पूरा इस तरीके की टेबल मेरे पास भी आपने देखी होगी, तो मैंने भी मेले में से ही ली थी ये वाली टेबल, और बहुत ही अच्छी है और खूबसूरत भी बहुत है। ऊपर का कांच भी तो बाद में बनवाया था, बिकॉज इनके पास कांच नहीं होता है, तो खाली मैंने टेबल ही ली थी। सोफे भी है, और यहाँ पर ये देखें ये भी बड़ा खूबसूरत सोफा है, सोफे भी सही लिख दिया है, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। उधर के साइड में बहुत सारे सोफे हैं, हैंडीक्राफ्ट के हैं, ऊपर लकड़ी है, अंदर ये फोम है, तो ये भी चेयर है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली चेयर, बहुत ही आरामदायक लगती है। आप गार्डन में बैठे इस चेयर को लेके और कॉफ़ी चाय जिस चीज़ के मज़े लेने हो वो ले भी लें, वैसे बहुत आरामदायक लगती है ये चेयर। तो ये भी हैंडीक्राफ्ट की है, यहाँ पर स्टेन है पेंडल स्टेन, तो बहुत काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन के हैं। और ये देखें आप, ये बड़ा ही खूबसूरत लग रही है साइकिल, तो ये भी हैंडीक्राफ्ट की है, लकड़ी की सीट है, लकड़ी का ये हैंडल है, और ये देखिए चेन वगैरह सभी कुछ है, चल रही है साइकिल। तो खूबसूरत नक्काशी की है टेबल पे और कुर्सियों पे, ये देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है टेबल। ये देखिए हैंडीक्राफ्ट झूला, ये झूला भी काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप गार्डन में लगाएं, छत पे लगाएं, बालकनी में लगाएं, तो उस हिसाब से बहुत काफ़ी खूबसूरत झूला है। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से खरीद के लेकर जाएं और लगाएं आराम से और मज़े लें झूले के। ये देखिए आराज भी बैठ गया और काफ़ी अलग अलग कलर्स के यहाँ पर सोफे भी हैं, ये देखें बहुत ही ज़्यादा है और बहुत बड़ा मेला लगता है, काफ़ी बड़ा मेला है। अलग अलग तरीके के सोफ़े हैं, ये देखें ये कितना खूबसूरत सोफ़ा है ये भी, और सारी चीज़ें हैंडीक्राफ्ट की हैं, हैंडीक्राफ्ट बहुत ही काफ़ी यूनिक है और अच्छे लगते हैं। ये देखें ये कुर्सी भी कितनी खूबसूरत है, ये
देखते हैं घंटाघर। तो यहाँ पर घंटाघर की थीम दी है, घंटाघर का वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी। यहाँ पर ये देखिए थीम है घंटाघर की, तो फेमस जगह है घंटाघर। अंदर की टिकट भी लगती है, मैं ऊपर भी जाऊंगी घंटाघर के अंदर। जब मैं जाऊंगी वहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत सारी मिलती हैं घंटाघर के अंदर। यहाँ पर थीम दी गई है, और यहाँ पर देखें पानी की टंकी है, इस पर भी देखें आप 7,000 स्टॉल लगी है इस मेले के अंदर। ये सबसे बड़ा मेला है जिसमें इतनी सारी स्टॉल लगी है। वहाँ पर यहाँ पर लगा है घंटाघर फेमस जगह है, जोधपुर की घंटाघर स्टाइल है वगैरह फूड होते हैं। गांधी जी का, तो चलिए उसके बाद चलते हैं। आज अमर में लाए गांधी जी का स्टैचू है। जोधपुर की थीम्स आपको नजर आएंगी, जोधपुर में जो फेमस जगह है वहाँ की थीम होगी। तो जैसे कि ये घंटाघर का थीम है, हमारे नेहरू गांधी जी हैं, नेहरू जी गांधी जी। और यहाँ पर देखें 7,000 स्टोर्स लगी हैं, और अलग अलग लोग अलग अलग देश से अलग अलग जगहों से स्टेट से लोग आते हैं यहाँ पर और स्टोर्स लगाते हैं। तो 7,000 स्टोर्स वो मुझे मालूम है कि लगी हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं स्टोर, 7,000 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ट्रेडिशनल लुक आपको इस मेले में जोधपुर का जितना होगा वो देखने को मिलेगा। तोपे लगाई हैं यहाँ पर, प्रोग्राम हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन होते हैं डांस के, सिंगिंग के, और सेलिब्रिटी भी शायद यहाँ पर आते हैं जो कि सिंगिंग करने के लिए, डांस करने के लिए। तो यहाँ पर सेटअप पूरा लगाया गया है, पीछे टीवी चल रहा है, और शो शुरू होगा, इवेंट होगा। यहाँ पर चेयर वगैरह लगा दी गई हैं, और इवेंट होगा तो हो सकता है सेलिब्रिटी हो यहाँ पर, तो वो अगर होंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पर अभी इवेंट की तैयारियाँ चल रही हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत इवेंट भी शायद हो सकता है। यहाँ पर स्टेज वगैरह लगाया है, और इवेंट की तैयारियाँ चल रही हैं। काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने डेकोरेट किया है, और ये देखें यहाँ पर कुर्सियाँ वगैरह लगाई गई हैं, तो यहाँ पर इंजॉय आराम से बैठ के कर सकते हैं। अब इवेंट क्या है ये नहीं पता, तो अभी शायद थोड़ी देर में यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा इवेंट, और उसके बाद में पता चल ही जाएगा कि इवेंट क्या है। या तो डांस का होगा, या गाने का, सिंगिंग का होगा, या कुछ और होगा, तो मालूम पड़ जाएगा। लेकिन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये।
ये देखिए विंडो ओपन हो गई है और यहाँ पर मैंने स्टार्ट भी कर दी है गाड़ी, लेकिन चला नहीं सकते हैं बिकॉज यहाँ पर खड़ी है गाड़ी तो अलाउड नहीं है, बट लेकिन बिकॉज मैं बना रही हूँ वीडियो तो आप ही के लिए बना रही हूँ, ये बता नहीं सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं फीचर्स वगैरह के बारे में तो ये नहीं बताएंगे, लेकिन फीचर्स उस गाड़ी के आप देख सकते हैं बहुत काफ़ी यूनिक है। यहाँ पे स्क्रीन भी लगी है तो यहाँ पे बताएंगे नहीं, बिकॉज जब आप लेने आते हैं, खरीदते हैं, परचेज करते हैं उसके बारे में तो तभी डिस्कस होता है। मैं खाली वीडियो बना रही हूँ तो पूरा दे नहीं सकती हूँ आपको वीडियो, अभी फिलहाल देखें आपको ना स्पेस इसके अंदर पीछे भी है बहुत ज्यादा, पीछे से दिखा उधर से मोबाइल और बच्चों का भी कोई ध्यान रखें। माय गॉड ये मुझे काफी अच्छा लगता है यहाँ का, जब रील्स वगैरह बनानी हो या फिर शूट करना हो और गाड़ी चलते रहे, हसीन वादियाँ हो, ठंडी ठंडी हवा हो और इसके अंदर से आप निकल के बाहर और फिर वीडियो शूट करें तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं निकल जाती हूँ बाहर, एक बार देख लें आप, मुझे अच्छा लग रहा है ये वहाँ से। तो गाड़ी आपने देखी काफ़ी खूबसूरत गाड़ी है, रेड कलर पर बहुत फेवरेट है, ब्लू भी है एंड ब्लैक भी है और काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी और सबको ही अच्छी लगती होगी, बिकॉज जब हम घूमने के लिए जाते हैं तो ये चीज़ होनी ज़रूरी है और बहुत अच्छा व्यू आता है और अच्छा भी लगता है बच्चों को, खासतौर पर ये चीज़ पसंद आती है। स्पेस बहुत है, काफ़ी अच्छा स्पेस है गाड़ी के अंदर, और आपने देखा ही होगा गाड़ी चलाना मुझे पसंद बहुत पसंद है, गाड़ी में चलाती हूँ और गाड़ी लेंगे अभी नहीं ले सकते। अगर आपको बता सकती हूँ आपका नाम, इनका नाम है राहुल और क्या है फाइव स्टार सर बता रहे हैं, फाइव स्टार रेटिंग है, सेफ है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है बहुत, मतलब इसके टायर देखें आप 17 इंच के टायर हैं और ऊंची गाड़ियां तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वैसे भी और सभी को पसंद होगी। तो मेरे पास तो होंडा सिटी है, आपने देखी होगी तो वो थोड़ी सी स्पेस नीचा लगता है, ये थोड़ी सी ऊँची गाड़ी है, बहुत रॉयल लगती है जब चलाते हैं, काफ़ी बड़ी गाड़ी है, 5 सीटर है, लग रही है गाड़ी शानदार लग रही है ना, 3 कलर है, अपनी होंडा सिटी जैसी लग रही है, ब्लू वाली तो है ना, ब्लू और ब्लैक, ये रेड, 3 गाड़ियां हैं, हाँ वाइल्ड चेरी रेड है, हाँ रेड भी नहीं है ये गाड़ी तो, ये भी काफी खूबसूरत लग रही है, ब्लू कलर यूनिक है, बहुत रॉयल कलर है, खूबसूरत है, वाइटर्स है, हाँ नई गाड़ी लॉन्च हुई है और काफ़ी बड़ी गाड़ी है, ये शायद वीडियो में आपको छोटी लग रही होगी लेकिन बहुत बड़ी लेंथ में काफ़ी बड़ी गाड़ी है, बताना भैया कितनी क्या क्या है, कितनी लंबी है ये गाड़ी, इसकी जो लेंथ है 4561 है, अपने सेगमेंट में सबसे लॉन्गेस्ट कार है। ओहो बहुत लंबी गाड़ी है ये तो, होंडा सिटी से भी लंबी है, एक रूम के बराबर है, 521 लीटर का इसका रूम है। ओह माय गॉड इतना स्पेस पहली बार में गाड़ी में देख रही हूँ, ये देखें आप 521 लीटर काफी बड़ा स्पेस है और काफी लंबी गाड़ी है और काफी खूबसूरत गाड़ी है। ये जा रहे हैं आइसक्रीम के मजे, स्टॉल लगती है, ये देखें वाडीलाल मेरा बेटा कौन सी आइसक्रीम खा रहा है, मैंगो रियल और रियल मैंगो ऑरेंज और मैंगो। बाजरे के बिस्किट, सर्दी का मेवा, बाजरे की खिचड़ी बनती है, बाजरे की रोटियां बनती है, बाजरे के बिस्किट भी है, टेस्टी है, अच्छे हैं, कुरकुरे कुरकुरे हैं। जोधपुर की जो फेमस खाने
खाने पीने की चीज़ें हैं उन चीज़ों की भी स्टोर यहाँ पर लगी है, तो स्टोर में आपको दिखा दूँ। यहाँ पर यहाँ देखिए आप फेमस कचौरी जोधपुर की, ये पकौड़ा, वहाँ पर मिर्ची बड़ा और गर्मा गर्म अंदर बन रहे हैं। ये देखें आप कढ़ाई वगैरह, कितनी सारी कढ़ाइयाँ अंदर लगी हैं और गर्मा गर्म निकल रहे हैं जोधपुर में। और ये देखें ये हमारे लिए भी आ गया है, हमारे मिर्ची बड़े गर्मा गर्म यहाँ पर है, मीठी और ग्रीन जो कि चिली कौन सी ग्रीन, ये तीखी होती है ना थोड़ी। और अंदर देखें आप कैसे गर्मा गर्म फटाफट फटाफट ये मिर्ची बड़ा निकल रहे हैं, उधर कचौरियाँ बन रही हैं। बहुत बड़ी स्टॉल है, पूरा आपको दिखाऊंगी यहाँ पर मैं। देखे कितनी भीड़ है और ये जाएंगे टक्कर कार में, लाइन में लगे हैं। मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के तवे, मतलब ना जाने कितनी चीज़ें हैं जो कि मिट्टी से इन लोगों ने खुद हाथों से बनाई गई है। हाथों की कारीगरी दिखाऊंगी मैं आपको, चलिए। तो ये सारे ग्राउंड के अंदर पूरे में यहाँ पर मेले में मिट्टी के बर्तनों से इन लोगों ने यहाँ पर स्टॉल लगाई है, तो ये अलग अलग स्टॉल अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और मिट्टी के बर्तन से स्टॉल ये इसकी टंकी को भी मिट्टी के बर्तन से बनाया है। तो ये है गुल्लक पे से सेविंग करने का, ये देखें आप गैस की टंकी है, ये सिलेंडर है और ये भी मिट्टी से बना है, बहुत ही काफ़ी खूबसूरत है और हर साइज़ का है, छोटे बड़े सभी साइज़ के हैं। यहाँ पर पोट भी है और यहाँ पर ये सब पोट ही है ना, ये गमले हैं, ये देखें आप पोट है और ये काफ़ी खूबसूरत बतख शेप में दिया है और ये मिट्टी का ही है अभी। ये भी सब मिट्टी के हैं और काफ़ी खूबसूरत है, घर के अंदर जो बेल होती है तो बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी साउंड आता है जो लगाते हैं, पॉजिटिव वाइब मिलती है इस चीज़ से। और गार्डन में या घर के अंदर बालकनी में लगाए खूबसूरत लगता है। यहाँ सारे मिट्टी के हैं, यहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ वगैरह ये भी हैंडीक्राफ्ट ही हैं, हैंडीक्राफ्ट का है ना पूरा, ये हैंडीक्राफ्ट का है, काफ़ी खूबसूरत है। ये देखें आप ये लैम्प बनाई है, लैम्प कितनी भी खूबसूरत है। ये चेन भी आपको दिखी होगी, तो ये चेन भी मिट्टी की ही है, लोहे की नहीं है। और ये देखें आप ये भी मिट्टी का है लैम्प, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लैम्प है। तो इस तरीके से आप बालकनी के अंदर ये लटका दें या गार्डन हो तो उसमें भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा ये। तो ये देखें मिट्टी के बर्तन कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इसमें गोल्डन कलर किया है और ये भी मिट्टी के हैं, चीनी के जिसको बोलते हैं बर्तन, तो बच्चे के खिलौने हैं ये और काफ़ी खूबसूरत है। ये मुझे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, आपने लाडो मेरी बेटी जो कि अधीरा है उसके लिए मैं ये लेने वाली हूँ, मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। ये कितने का है? ये 100 रुपीज़ एंड ये 50, ये 50, ये 50 का है, ये 100 का है, कोई ज़्यादा नहीं है, बिकॉज ये हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है, तो मुझे कोई ऐसा लगने लगा कि कॉस्टली है। 100 रुपीज़ ठीक ही है और ये 50 का है, तो ये मैं लेने वाली हूँ अधीरा के लिए, लाडो के लिए। तो ये है आटा गूंदने का सामान, जिसमें है गिलास, लोटा, परात और ये छोटी सी कटोरी, आप सूखा आटा निकाल लें और इसमें आटा गूंद लेंगे बच्चे। मुझे दिखाओ उधर पीछे से, मेरे को दिखाओ। ये मसाला कूटने की खरल है, मसाला कूटने की। तो ये देखें आप बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये, लाडो बहुत खुश हो जाएगी इसको देख कर और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कॉपर कलर है, गोल्डन में भी है, और ये पानी के लिए है। तो काफी सारे बर्तन है इसके अंदर, कितने बर्तन होंगे? 11-12 पीस।
11 12 पीस है, 100 रुपीज़ में आपको 11 12 पीस मिल रहे हैं। ये देखें आप, और बच्चे बहुत खुश होने वाले हैं इन चीज़ों से। और मिट्टी के बर्तन हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप वैसे भी लगा सकते हैं, नहीं भी मतलब अच्छे नहीं भी खेले तो ये डेकोरेशन के हिसाब से भी हम लगा सकते हैं और अच्छे लगते हैं। तो ये तो मैं ले रही हूँ, और सोनी तुम क्या ले रही हो? ये बर्तन एक तो सोनी भी ले रही है और मैं भी ले रही हूँ, तो वो तो मैंने ले लिया है। और आगे मिट्टी के वो दिखाती हूँ मैं आपको कि लिया है गोल्डन, गोल्डन भी काफ़ी अच्छा कलर है, मैंने कॉपर लिया है, गोल्डन है, दो अलग अलग कलर हो जाएंगे। तो ये देखें मिट्टी की डिश और मिट्टी के बर्तनों में, पहले हमारे पास ये बर्तन मतलब पहले के ज़माने में मिट्टी के चूल्हों पे और मिट्टी के बर्तन में ही खाना बनता था और खाते थे, तो उससे बीमारियां भी बहुत कम होती थी। अभी तो बहुत यूनिक यूनिक चीज़ें हैं जिससे कि हम इस्तेमाल करते हैं। पहले हाथ से मसाला पीसा जाता था, मिट्टी के बर्तन में खाना खाया जाता, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया जाता था, चूल्हे में बनता था, और वही थीम है यहाँ पर। पूरे स्टॉल जो लगे हैं वही थीम है, क्योंकि ये लोग गांव के लोग हैं और इन लोग मतलब पहले की जो चीज़ें हैं वो अभी तक भी ये लोग यूज़ करते हैं, कर खाते हैं, बनाते हैं। तो ये देखें आप मिट्टी की डिश, काफ़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छी लग रही है। और ये रेड कलर में थी, ये देखें आप इस पर कलर किया है, ये भी मिट्टी का है, ब्लैक हो कितना खूबसूरत लग रहा है, शाइनिंग देखें आप इसकी डिश की। हाँ, कौन से गांव से हैं भैया? कौन से गांव से हैं आप? पोखरण। तो अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और स्टॉल लगाते हैं, 7000 स्टॉल इस मेले में लगी है, बिकॉज ये विंटर का सबसे बड़ा मेला है, लास्ट अब इससे बड़ा शायद मेला नहीं लगता है, जनवरी में लगता है सबसे बड़ा मेला 7000 स्टॉल्स का। 7000 स्टॉल तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, जितनी हो सकती है मैं आपको दिखाऊंगी। झूले भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के लगे हैं, उसके पास हम बाद में जाएंगे, पहले यहाँ पर देखें आप, ये देखें तो ये है तवा जिस पर रोटी बनती है, तो ये भी मिट्टी का ही है। हैंडल अभी दिया हुआ है क्योंकि हमें आदत नहीं है अभी के जनरेशन में, पहले तो वो वैसे ही बना लेते थे, अब हमें हैंडल की ज़रूरत पड़ती है, तो हैंडल से फिक्स किया है ये पीछे से। आप मिट्टी के यहाँ पर जोधपुर में फेमस है बाजरे के सोगरे, अपना बेसन की रोटी, तो वो इसमें बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी मतलब स्वाद आता है उसको खाने में, बाजरे के सोगरे, खिचड़ी और ये चीज़ें बनती हैं, तो मिट्टी के बर्तन में ज़्यादा अच्छी लगती है। जोधपुर का फेमस होता है बाजरे का सोगरा, ये आटा गूंदने का है, आटा इसमें बहुत अच्छा गूंदता है, पहले भी इसमें गूंदता था, अब नहीं गूंदते हैं लोग, स्टील सिल्वर ये चीज़ें यूज़ करते हैं। ये देखें यहाँ पर है मिट्टी के कप, मिट्टी के कप में पानी, हम जब चाय पीते हैं तो वो सिकोरे वाला जो होती है ना स्मेल, वो स्मेल आती है, आप घर पर भी ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आप लेकर जाएंगे मिट्टी के कप तो सिकोरे वाली, जैसे कि यहाँ पर दूध जलेबी बहुत फेमस है, सिकोरे में मिलते हैं दूध और जलेबी, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है, एकदम सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, तो वही चीज़ है मिट्टी के कप। कितने के छः पीस? 200 रुपये के 6 पीस हैं। हाथ से बनाते हैं आप ये? ये हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से ही बनाते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है, हम 200 रुपये में फटाफट आते हैं और ले जाते हैं, इन लोगों को बहुत मेहनत लगती है, सर्दी गर्मी ये लोग करते हैं, जनवरी में खास तौर पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और ये देखें आप, इतना अच्छा डिज़ाइन करके इन लोग हाथ से बनाते हैं, पेंट करते हैं और फिर स्टोर्स लगाते हैं। स्टोर्स मिट्टी के बर्तन ही हैं, जितने ही मैंने आपको दिखाए हैं सब मिट्टी के बर्तन हैं, ढुलक है, लैम्प है, और भी चीज़ें हैं सारी मिट्टी के हैं, अलग से पार्टीशन है, अलग से इन लोगों ने मिट्टी का एक सेटअप लगाया है मिट्टी के बर्तन का, और ये पूरा ग्राउंड में मिट्टी के बर्तन से ही पूजा वगैरह, तुलसी जब हम लगाते हैं, तुलसी का पौधा, तो उसी चीज़ को इन लोगों ने ध्यान में रखते हुए ये गणेश जी की मूर्ति चारों तरफ, ये देखें आप मूर्तियां लगाई हैं, और तुलसी का पौधा आप लोग लगाते हैं तो उसमें ये पूजा होती है शायद, इसीलिए आपने ये रख के बनाया है, तो ये पोर्ट वही है, ये देखें आप पूरी थीम वही है, आप जिस तरीके से भी ले सकते हैं आप लें, और थीम वही है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन बहुत फायदेमंद होते हैं हमारे।
हमारे लिए, लेकिन अभी की जनरेशन में मिट्टी के बर्तन का कोई यूज़ नहीं करते हैं। जितना हो सके आप करें, आपको अच्छा लगेगा जब आप करेंगे यूज़। तो हमने तो मिट्टी के बर्तन ले लिए हैं, दो पैकेट बर्तन ले लिए, जो कि मैंने दिखाए थे कि मैंने लाडो के लिए और सोने में लिया है, तो हमने मिट्टी के बर्तन ले लिए हैं। आप चलते हैं झूलों में, तो झूलों में भी बहुत सारे झूले लगे हैं जो कि जनवरी में ही लगते हैं, बहुत बड़े बड़े और अलग अलग तरीके के झूले लगते हैं, तो बच्चे सारे बाहर हैं। चलो झूले में चलते हैं।